बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर रहा होगा। और जी हाँ, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। असल में हम लोग अफ्तार पर इनवाइटेड थे, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सहरी के लिए खाना नहीं बना सकी थी, तो सालन हाफ कुक करके मैं सो गई थी और फिर मैंने उठ के इसको कम्प्लीट किया और इसके बाद मैंने थोड़ी देर और रेस्ट किया और सहरी बनाने लग गई। सहरी में हम कुछ स्पेशल नहीं बनाते, बस लस्सी बना देती हूँ मैं दही की, ताकि प्यास ना लगे, और उसके बाद बस परौठे और सालन, और कुछ ख़ास मैं नहीं करती। अच्छा जी, सहरी तो यहाँ पे तैयार हो गई और इसके बाद बस नमाज और तलावत करने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मोहित को स्कूल भेजना होता है। तो मैं बाहर किसी दिन बाहर चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, किसी दिन छत पे चली जाती हूँ। तो इतने प्यारे फूल थे, मैं बाहर आ गई, थोड़ी देर वॉक की और मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं अफ्तारी में चना चाट बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। यहाँ पर मैं अनियंस को चॉप कर रही थी बिल्कुल बारीक, ताकि मुंह में ज़्यादा मतलब बड़े बड़े चंक्स ना आए, तो बारीक बारीक चॉप करी थी मैं। और अच्छा, मैं शायद से पहले इतनी ज़्यादा चाट और गुलगप्पे और इस तरह की चीज़ें नहीं खाती थी, कोई भी चाट हो इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते थे। लेकिन मैं शादी के बाद हम साउथ कोरिया चली गई थी, वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ आउटिंग पे आपको बाहर खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या बना के लेके जाएँ अगर आपने बाहर जाना है घूमने के लिए। बस वहाँ से फिर मुझे आदत हो गई कि ये चलो चाट बना लेते हैं या कुछ इस तरह के स्नैक्स बना लेते हैं। अच्छा, मैं बॉयल्ड पोटैटो कट करी थी और मैं ये बड़े बड़े पीसेस में करी थी, क्योंकि ये चाट में अच्छे लगते हैं। अच्छा, चना चाट की सॉस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले केचप और चिली सॉस, उसके बाद शंग्रीला की हॉट चिली ऐड की है, उसके बाद मसालों में सिर्फ नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाला है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता अफ्तारी में। और बस मैंने नॉर्मल से मसाले रखे हैं, प्याज और चॉप खीरा डाल के उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें चने ऐड कर लूँगी बॉयल्ड, मैंने पहले ये सारे बॉयल करके रख लिए थे। और लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें जो पोटैटोज़ मैंने कट किए थे बॉयल्ड पोटैटोज़, मैं वो ऐड कर दूंगी। और बस ये सिंपल सी चाट मैंने बना ली अफ्तारी के लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ मैं पकोड़े साथ बना रही थी, शादी के टाइम करीब आ गए और पकोड़े यहाँ रेडी हो गए। ये कुछ नेबर्स को भेजने के लिए मैंने प्लेट्स तैयार की थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये क्लिप बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए।